सो हे गाइस, मेरा नाम है संतोष एंड वेलकम टू एसपी के अपडेट्स। सो आज भी जो मेरे पास काफ़ी सारी अपडेट्स है पूरा यूट्यूब कम्युनिटी से रिलेटेड, सो भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप लोग और भी ऐसे अपडेटेड रहना चाहते हो देन आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। चलिए बात करते हैं आज की फर्स्ट स्टोरी के बारे में। सो आज की हमारी फर्स्ट अपडेट है जवान मूवी को लेकर। क्या जवान मूवी किसी अदर मूवी की कॉपीड है? जैसे कि आप सभी को पता है शाहरुख खान की इस साल दो बड़ी फिल्में आने वाली 2023 में। एक होने वाली पठान जिसका कि टीजर ऑलरेडी आउट हो चुका है, एंड सेकंड इज जवान जो कि जून 2023 में रिलीज होने वाली। इसी मूवी से रिलेटेड की आरके गर्ल्स एक ट्वीट किए थे, पर कुछ स्क्रीनशॉट्स वगैरह वो शेयर किया आर्टिकल वगैरह के। आर्टिकल में यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया जो जवान मूवी ना 2006 में एक फिल्म आई थी पेरा रासू, जिसके की जवान मूवी टोटल यहाँ पर कॉपीड है। जो मूवी ना तमिल फिल्म थी, ठीक है, एंड इस मूवी के जो मेकर्स है ना उन्होंने FIR दर्ज कर दिया अगेंस्ट शाहरुख खान मूवी जवान के अगेंस्ट। बताया जा रहा है कि पहले पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी, देन अगर ये कॉपीड निकलती देन कंप्लीटली यहाँ पर FIR दर्ज की जाएगी अगेंस्ट शाहरुख खान जवान मूवी। आरकेसी को लेकर ट्वीट किया यहाँ पर लेके, आई सेड मेनी टाइम दैट इज नॉट बॉलीवुड बट इज कॉपीवुड, दे कैंट मेन ओरिजिनल फिल्म बिकॉज दे आर ओनली कॉपी मास्टर। लीगल केस हैज बीन फाइल्ड अगेंस्ट शाहरुख खान फिल्म जवान। सो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो नेक्स्ट अपडेट यूट्यूबर्स है जो कि गए थे स्पेस में, ठीक है। डूड परफेक्ट को आप में से ऑलमोस्ट लोग जानते हैं, यूएस करने वाले ऑलमोस्ट 60 मिलियन के अराउंड सब्सक्राइबर्स इनके। देन ये दो दिन पहले अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किए, देन वहां पर वो कंप्लीटली यहां पर 11 मिनट के लिए यहां पर स्पेस में जाते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताया जा रहा है कि जो प्लानिंग थे ना स्पेस में जाने की वहां पर जून में ही हो गई थी, ठीक है। ब्लू ओरिजिन नाम की कोई कंपनी, ठीक है, जिन्होंने इस चीज को यहाँ पर कंप्लीटली करवाया। यहाँ पर कोई फिफ्थ टूरिज्म गए थे उस फ्लाइट में, ठीक है, स्पेस के अंदर। वो जो 11 मिनट के लिए यहाँ पर फ्लाइट में रहते स्पेस में। रिलेटेड काफी सारे आर्टिकल्स वगैरह भी अगर आप रीड करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, वहां से आप रीड कर सकते हो। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो नेक्स्ट अपडेट गौरव जोन से रिलेटेड। तो क्या गौरव जोन को एक्सपोज किया? पहले गौरव जोन की एक टीम मेंबर थे जिनका नाम था आकाश, जो कि गौरव जोन के कैमरामैन थे। क्या हुआ कि अभी थोड़े टाइम पहले उन्होंने गौरव जोन के साथ काम करना क्विट कर दिया। अपने चैनल पर एक वीडियो लेके आए जहां पर टोटली गौरव जोन को अपने वीडियो में एक्सपोज किया। आकाश अपनी वीडियोस में बताया कि गौरव जोन के साथ जितने भी टीम मेंबर्स काम करते, एक ओली नाम की एक लड़की भी काम करती जिसको कि वो टाइम टू टाइम सैलरी पे नहीं करते, जिसकी वजह से उन्होंने क्विट कर दिया। और भी काफी सारे लोग काम करते जिन्होंने इसी रीजंस के कारण क्विट कर दिया। एंड वो ये भी बताया कि गौरव जोन के पास जितने भी कार्स है ना, थार हो गए, फॉर्च्यूनर, वो भी उनकी खुद की नहीं है। तो इस वीडियो की छोटी सी क्लिप मैं आप सभी के साथ में शेयर कर दे रहा हूं। अगर आप कंप्लीट वीडियो चेकआउट करना चाहते हो तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में आप कंप्लीट वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। कुछ तो हरकत रही होगी तभी तो इसने इसको एक्सपोज करा, ठीक है। इवन इसके साथ ओली भी नहीं है, ठीक है। ओली के साथ ये क्या करता था भाई, उसको क्या बोलते हैं, बिन बे टाइम बुला रहे मेरे को भी, ओली को भी। वो तो एक लड़की है, ठीक है ना, उसको टाइम पे पैसे देना। वो ओली गई क्यों, तुमने किसी ने रीज़न पूछा क्यों गई, क्यों नहीं गई? वो तो ओली का भी जाने का रीज़न यही था भाई, बिल्कुल उसको पैसे नहीं देता था। हालांकि वो यहाँ पर अकेले रहती थी, ठीक है, अपनी फ्रेंड के साथ रहती थी, उसके घर वाले अफगानिस्तान में रहते थे। जब वो गई इवन तब भी इसने उसको टाइम पे पैसे नहीं दिए बिल्कुल भी कि यार चल, मतलब कुछ उसको टाइम पे, वो भाई बोलती थी कि यार कि भाई मेरे को थोड़ा टाइम पे पैसे दे दिया कर, मेरे को दिक्कत होती है ये वो। नहीं, इसको क्या करना है भाई, बस अपना कंटेंट बनाना है भाई। कंटेंट के पीछे ये बंदा कुछ भी कर सकता है और इतना पागल बनाता है ना भाई, मेरे को नहीं लगता जो भी इसकी जो थार है ना वो पता नहीं कितने दिन टिकेगी कितने दिन नहीं टिकेगी। मेरे को नहीं लगता कि वो, मेरे को नहीं लगता इसकी है या नहीं है भाई। मेरे को तो बस इसने डिलीवरी वाले दिन बोला कि भाई थार लेने चल रहे हैं, ऐसे ऐसे इसने 10 गाड़ियां देखी, उससे पहले भी इतनी गाड़ियां देख चुका था, फिर एकदम से थार ले ली। भाई एक दिन में कोई कैसे अरेंज कर देगा यार, कुछ सोचो, ठीक है। रही फॉर्च्यूनर की बात, हाँ थार को पहले थार वाली बात कंप्लीट करते हैं। कह रहा भाई मेरा इतना, मेरे को इतना इतने का नंबर पड़ा, ठीक है, 5 लाख कुछ अमाउंट बताया। मैंने पूछा, मैंने भाई कितने का पड़ा है? कह रहा छोड़ क्या करेगा जान के, मतलब भाई हमें, मतलब मेरे को भी नहीं बताया इसने यार, कुछ तो झोल है ना तभी। सो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो नेक्स्ट अपडेट गुरु मंसरेट, आप में से ऑलमोस्ट लोग जानते होंगे, एक फिटनेस यूट्यूबर है, देन ये बहुत ही जल्दी डेब्यू करने वाले एक बॉलीवुड मूवी में, देन वो भी मेन लीड रोल में। देन इसी को लेकर आप इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाले, यहाँ पर मूवी का नाम भी यहाँ पर देख सकते हो, ड्रीम बिग है, ठीक है। देन ये जो मूवी बहुत ही जल्दी हमें देखने को मिलेगी, यस, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन टू हिम। सो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो नेक्स्ट अपडेट हर्ष बेनीवाल से रिलेटेड। जो हर्ष बेनीवाल है ना, उन्होंने फाइनली वन कर लिया बेस्ट एक्टर इन कॉमिक रोल अवार्ड और इस वेब सीरीज कैंपस डायरी। आप सभी को पता होगा MX Player पे कैंपस डायरी नाम की एक वेब सीरीज जिसमें कि हर्ष बेनीवाल भी थे, ठीक है। इसी के लिए ना हर्ष बेनीवाल को बेस्ट एक्टर इन कॉमिक रोल का अवार्ड मिला है। तो भाई मैंने मैंने कांग्रेचुलेशन टू हिम। सो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्टोरी के बारे में। तो नेक्स्ट अपडेट क्रेजी दीप से रिलेटेड। तो मैंने पिछली वीडियोस में आप सभी के साथ में शेयर किया था फिजिक्स वाला एंड जो अमन धतरवाल उनकी कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में, कैसे पहले अमन धतरवाल वीडियो लेके आए, फिर फिजिक्स वाला लेके आए, देन फिर से अमन धतरवाल वीडियो लेके आए, देन इसी कॉन्ट्रोवर्सी के ऊपर क्रेजी दीप अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किए, देन वहां पर वो अपना ओपिनियन भी शेयर किए, कंप्लीट कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में वो बात भी करते हैं। एट द एंड वो सपोर्ट करते हैं फिजिक्स वाला में, ठीक है, अगेंस्ट बोलते हो अमन धतरवाल के। तो इस वीडियो की छोटी सी क्लिप सभी के साथ में शेयर कर दे रहा हूं, कंप्लीट वीडियो चेकआउट करना चाहते हो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में, सब कंप्लीट वीडियो भी जो चेकआउट कर सकते हो। फिजिक्स वाला वाली वीडियो के अंदर जब अमन सर पे एलिगेशन लगे कि उनके कोर्स ही कंप्लीट नहीं हो रहे इसलिए टीचर उनको छोड़ के जा रहे हैं, तो इस चीज के ऊपर अमन सर का रिप्लाई ये था, सर हमने कभी समय नहीं निकाला किसी के बारे में कमेंट करने का,
कि भाई ये अच्छा पढ़ाता है बुरा पढ़ाता है, सारे क्रिएटर्स बहुत अच्छे हैं सर, चाहे कोई एक चैप्टर पढ़ाए, पांच पढ़ाए, पूरा कोर्स पढ़ाए, बच्चे के लिए तो बोनस है। क्या बोनस है सर? जब कोर्स आधा ही हो जाएगा, टीचर स्टाफ ही चेंज हो जाएगा, या कोर्स कंप्लीट ही नहीं होगा, जब आपके बारे में इस तरीके से स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे होंगे, तो आप बस उस चीज को इग्नोर कर रहे हो, बट वो सॉल्यूशन नहीं है। आपकी सेकेंड वीडियो में भी आपने स्टार्टिंग 6 मिनट तक वही वकील वाली बात करी जो बिल्कुल यूजलेस है, बट वो काइंड ऑफ एक इमेज बना रही थी फिजिक्स वाला की जैसे वो एक विलन है जो आपने अपने स्टूडेंट्स को मैनिपुलेट करने के लिए बनाया। आपकी फर्स्ट वीडियो के अंदर आपने बताया कि आप कैसे डिप्रेस्ड हो और उसकी वजह से आपके फादर हॉस्पिटलाइज्ड है। तो जब ये चीजें आप एक सीरियस वीडियो के अंदर बताते हो तो जाहिर सी बात है कि कुछ स्टूडेंट्स हुए वो आपको सिंपैथी देंगे और उसका रिजल्ट ये आएगा कि जो सामने वाला जिस पर आप वीडियो बना रहे हो उसको हेट पड़ेगी। आपने खुद ही एक टीचर को टर्मिनेट किया, आपने ये चीज क्लियर नहीं करी, जबकि आपने ये बोला कि सारे टीचर्स ने एग्रीमेंट ब्रेक किया। उसके बाद जो एलिगेशन फिजिक्स वाले ने आपके ऊपर लगाए थे रिवर्स कोचिंग, आपने अपनी सेकंड वीडियो में कहीं पे भी एक सेकंड के लिए भी उस बारे में जिक्र नहीं किया। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो नेक्स्ट अपडेट इंस्टाग्राम से रिलेटेड, क्या इंस्टाग्राम को यूज करने के लिए हम कुछ पैसा पे करना पड़ेगा? जैसे कि आप सभी को पता है इलोन मस्क ने ट्विटर बाय करने के बाद एक अपडेट लाया था, वहां पर जितने भी वेरिफिकेशन बेस जिनके पास थे उनको यहां पर $8 पर मंथ पे करना पड़ेगा वो वेरिफिकेशन बेस रखना चाहते थे। इसलिए अभी जो ना आरवीसीजी अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाले, यहां पर बताया कि फ्यूचर में इंस्टाग्राम भी ऐसी प्लानिंग कर रहा है कि वो जो ना $6 पर मंथ पे करना पड़ेगा, ऑलमोस्ट ₹500 इंस्टाग्राम को जो ना यूज करने के लिए, नॉट वेरिफिकेशन बेस, सिर्फ यूज करने के लिए $6 पर मंथ हमें पे करना पड़ेगा। इसके ऊपर आपके क्या ओपिनियन, आप $6 पर मंथ पे करोगे इंस्टाग्राम यूज करने के लिए? मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर से शेयर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो नेक्स्ट अपडेट ब्रह्मास्त्र मूवी से रिलेटेड। तो आप में से ऑलमोस्ट लोग पता होगा पिछली वीडियोस में आपको बताया था ब्रह्मास्त्र मूवी फाइनली ओटीटी पे आ चुकी है, जो कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है। देन आयन मुखर्जी का भी हाल ही में एक इंटरव्यू वीडियो आउट हुआ है, वहां पर वो बताया कि ब्रह्मास्त्र मूवी जो ना ओटीटी पे अलग लेवल की रिलीज है, मतलब उसमें काफी सारे चेंजेस किए गए, ओटीटी के लिए अलग से मूवी के लिए कुछ चेंजेस किए गए, देन जो थिएटर में हमें जो मूवी एक्सपीरियंस मिला था ना उससे हट के एक्सपीरियंस हमें ओटीटी में मिल सकता है। काफी सारे आर्टिकल्स वगैरह भी हैं जिनके लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। देन अगर आप चेकआउट करना चाहते हो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे जाके आप ब्रह्मास्त्र मूवी को जो चेकआउट कर सकते हो। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो नेक्स्ट अपडेट विराट कोहली से रिलेटेड। तो विराट कोहली ने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर किया एक इंटरव्यू वीडियो। विराट कोहली अपने इंटरव्यू वीडियो में ये बताया कि पिछले 8 साल से विराट कोहली का जो वेट है ना 74.5 से लेकर 75 kg तक ही है, इसके अराउंड ही ऐसे ना ही तो ज्यादा हुआ ना ही कम हुआ, भाई समझ लो 500 ग्राम के अराउंड ही उनका वेट यहाँ पर चेंजेस हुए, इससे ना ही तो कम हुआ ना ही ज्यादा हुआ, तो भाई वो क्या ही हेल्थ मेंटेन रखते हैं। सो बस यही थे आज की सारी सारी अपडेट। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, अपने सभी दोस्तों साथ शेयर करना, और भी ऐसे अपडेटेड रहना चाहते हो तो मैं चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से करें।